रिफाइन और सरसों तेल जो कि एक एक आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा रोल रखता है, वो निरंतर ही बढ़ता जा रहा है और अभी तक इसके दाम पे लगाम नहीं आ रही। हम लोग तो एकदम, हम लोग मोदी जी को ही वोटिंग दिए थे, फिर उल्टा एकदम इसका रिजल्ट आ रहा है। अब महंगाई बढ़ेगी लेकिन आप वोट मोदी को ही देंगे? मोदी को ही देंगे, वोट फॉर मोदी। महंगाई बढ़ गया, महंगाई से बजट भी हम लोग का फेल हो रहा है। जो 1000 में लेते थे आज 1200 में ले रहे हैं, जो 1200 में ले रहे थे आज 1500 हो गया। इस सरकार से हम लोग को फायदा नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। देखिए जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक कहावत है कि महंगाई डांट खाए जात है, लेकिन अब महंगाई लोगों के लिए सदस्य बनते जा रही है क्योंकि लगातार 3 महीने में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, ऐसे में रोजमर्रा जिंदगी के सामान में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में मैं पहुंची हूँ पटना के जक्सन के पटना किराना स्टोर में, जहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जैसे चावल दाल, आखिर उनमें 3 महीने में कितनी वृद्धि हुई है और अब उनका रेट क्या है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए हमारे साथ। तो हमारे साथ यहाँ पे पटना किराना के ऑनर है, हम उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? दिनेश कुमार। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव आ रहे हैं, चावल दाल सरसों तेल चीनी ये सब चीजें में, 3 महीने में पिछले कितने रेट थे और अब कितने हैं? देखिए किसी किसी चीज़ों में बेतहाशा तब्दीली हुई है, खास तौर पे खाद्य तेलों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। रिफाइन और सरसों तेल जो कि एक एक आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा रोल रखता है, वो निरंतर ही बढ़ता जा रहा है और अभी तक इसके दाम पे लगाम नहीं आ रही। और सरसों तेल बोला जाए तो हर हफ्ते हम लोगों की बिक्री में लगभग 5 से 7 रुपये का इजाफा हो जाता है, और जो कि आज से 3 महीने पहले 120-122 रुपये का सरसों तेल था, वो अभी ब्रांडेड सरसों तेल 150-160 के रेंज में पहुंच गया है। रिफाइन तेल के साथ भी यही बात है, वो पीछे 2 महीनों से निरंतर चलता जा रहा है और अभी तक उसके कीमतों में लगाम नहीं है। और एक अच्छा ब्रांडेड खाद्य तेल बाज़ार में 140-145 के नीचे उपलब्ध नहीं है। इसी तरीके से कि कुछ कुछ दालें हैं जो कि अब चलनी शुरू हो गई, क्योंकि अब चूँकि पेट्रोल और इन सब चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही है, तो कुछ दालें जो है अब निरंतर बढ़ती जा रही है, 2-4 रुपये ऐसे करके इसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि माल भाड़ा बढ़ रहा है तो दाम बढ़ रहे हैं। दालें जो है, राहर दाल, मसूर दाल, चने दाल, ये तीनों दालों में सबसे महंगा दाल अभी कौन चल रहा है? देखिए दाल अरहर तो सबसे महंगी होती ही है, लेकिन मतलब एक आम जनता जो मसूर दाल को यूज़ करती है, उस मसूर दाल में लगभग पिछले 2 महीनों में 10% से ज़्यादा का इजाफा हो गया। जो मसूर दाल 58-60 रुपये के आसपास होती थी, वो अभी करीब 65 और 70 के बीच में पहुँच गई है। चीनी के रेट में 3 महीने से कितने बदलाव देखने को मिल रहे हैं? चीनी अभी तक तो स्थिर है, क्या पता बाकी को देख करके ये भी अपनी चाल चलना शुरू। आटा का भी भाव, आटा और चीनी अभी तक स्थिर है, लेकिन अब चूंकि माल भाड़ा बढ़ने की बातें हैं और सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, अभी विगत आपने देखा कि पीछे ट्रांसपोर्टर भी स्ट्राइक पे चले गए थे भाड़ा बढ़ाने के क्रम में, तो अगर ये भाड़ा बढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो सप्लाई करने वाले हैं वो चीज़ों को बढ़ोतरी करके लाएंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, रोजमर्रा की जिंदगी के सामान में जो वस्तुएं जो हैं वो लोग खरीद पा रहे हैं, भीड़ लग रही है, लोग सामान अभी खरीद पा रहे हैं या फिर पहले जैसी भीड़ अभी कम? नहीं, बाज़ार में कमज़ोरी का आलम लॉकडाउन खुलने के बाद से ही है। बाज़ार एक बहुत धीमी गति से चलता हुआ आ रहा था और उसमें भी लोग अपने डर से निकल कर बाहर बाज़ार में निकलना शुरू करे थे, लेकिन अब जैसे ही समझिए ये चीज़ों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो लोगों ने अपने बजट को काटना शुरू कर दिया है। और आगे अब त्योहारों का सीज़न है तो अभी बाज़ार फीका पड़ा है, और अब आगे त्योहार के लिए जो मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन का बाज़ार चलेगा, तो उसमें लोग अपनी ज़रूरतों में कटौती करके अपने त्योहारों को मनाएंगे। महंगाई का असर आपको देखने को मिल रहे हैं? निश्चित तौर पे अगर इसी रफ्तार में कीमत बढ़ती रही तो त्योहारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी लोगों को। निश्चित तौर पे एक आम आदमी को महीने के अंतिम में ये त्यौहार का सीज़न है, होली का, जो कि एक बहुत प्रमुख त्यौहार है, लोगों के यहाँ आना जाना, खाना पीना सब रहता है,
तो उसमें लोग कटौती करके अपने काम को चलाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में अभी अधिक सामान किस चीज की बिक्री होती है, अभी बिक्री हो रही है? देखिए, प्राइमरी आइटम्स जो कि कंज्यूम होते हैं उसमें तो सबसे प्रमुख खाद्य तेल ही है। खाद्य तेल, आटा, चीनी, ये हर घर की ज़रूरत है। और खाद्य तेल के वजह से मेजर बजट बिगड़ा हुआ है। हमने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी वस्तुएं पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर कस्टमर जो है यहाँ पे सामान खरीदते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने, सरकार ने वादे किए थे कि वो बढ़ती महंगाई को कम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से महंगाई अब आपकी सदस्य बनती जा रही है, ऐसे में आम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, आपका नाम? राजेश कुमार यादव। आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है लगातार महंगाई? बढ़ी रहा, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा है। तीन महीने और अब देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको कि ज़्यादा? हम और भी लोगों से बात करेंगे, और हमारे साथ यहाँ पर एक कस्टमर हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आप 3,000 रुपये 3 महीने पहले आप लेते थे, तो बहुत कौन कौन से चीज़ें सामान खरीदते थे? आई तो चरम सीमा पर पहुंच रही है। जो सामान 3,000 में होता था ना, अब 3,800 लग रहे हैं उसके। मैंने बहुत महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, इसको एकदम कंट्रोल करना एकदम अनिवार्य है। आपको लग रहा है कि मोदी सरकार पर इस बार भारी तो भारी पड़ रहा है? हम लोग मोदी जी को ही वोटिंग दिए थे, फिर उल्टा एकदम इसका रिजल्ट आ रहा है। अब रिजल्ट मोदी जी पे अभी भरोसा है या फिर नहीं? एकदम पूरा है, लेकिन फिर सुधार करेंगे। महंगाई बढ़ेगी, लेकिन आप वोट मोदी को ही देंगे? मोदी को ही देंगे, वोट फॉर मोदी। आपके लिए महंगाई कुछ नहीं है, मोदी ही सब कुछ है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और ग्राहक जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरीके से आप अगर 1 महीने पहले की अगर बात करें, तो आप पहले कितना सामान खरीद पाते थे और अब 1,000 रुपये में कितने सामान खरीद पा रहे हैं? बहुत घट गया, महंगाई बढ़ गया, महंगाई से अब बजट भी हम लोग का फेल हो रहा है। जो 1,000 में लेते थे आज 1,200 में ले रहे हैं, जो 1,200 में ले रहे थे आज 1,500 हो गया। क्या करेंगे, इस देश का यही हाल है। तो बोला था कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन क्या लाएंगे, तो ख़राब दिन लेकर के आ गए। महंगाई तो रोज़ बढ़ती जा रही है, देख लीजिए पेट्रोल डीजल का क्या यहाँ से कहाँ पहुँच गया रेट है, जबकि कच्चे तेल की रेट घटती जा रही है और यहाँ रेट बढ़ता जा रहा है जी। हर चीज़ पर तो महंगा है, महंगाई बढ़ गई, कौन सा चीज़ बताइए। जैसे कोई गैस का वही हालत है, रोज़ बढ़ रहा है, घटने के बजाय बढ़ रहा है। कोई ऐसा सामान नहीं है जो सस्ते में आ रही है, सारा चीज़ महंगा होता जा रहा है रोज़ का रोज़। इस सरकार से हम लोग को फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मतलब बीजेपी की सरकार आपको इस बार निराश कर रही है? बिल्कुल निराश, शुरू से जब से आई है तब से निराश कर रही है। तो चाय की चुस्कियों से ही हमारी दिन की शुरुआत होती है, तो अगर समझिए कि अगर वो चाय की चुस्की आपको महंगी पड़ने लगी, आपका मुंह जलाने लगे, तो समझिए क्या होगा। जी हाँ, तो आपको बता दूँ ये भी कि ताज़ा टी जो है वो 20 रुपये/100 ग्राम मिलती थी, अब वो 25 रुपये/100 ग्राम हो गई है। और अगर वही बात करूँ मैं टाटा टी गोल्ड जो कि एक ब्रांडेड चाय है, वो अब आपको 300 रुपये/500 रुपये तक में मिलेगी, यानी कि पहले वो 300 रुपये में मिलती थी, अब वो 500 रुपये में मिलने वाली है। आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी हुई है वो चाय पे ही हुई है, तो समझिए अब वो चाय की चुस्की आपको कितनी महंगी पड़ रही है। महीने में और अब कितने रुपये बढ़ गए हैं, कितने सामान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हम आटा की पहले बात करते हैं, तो ये है आटा, आशीर्वाद का आटा है। पहले 170 रुपये में ये 5 kg मिलते थे, लेकिन अब ये 180 रुपये में 5 kg मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 10 रुपये का इजाफा हुआ है। और अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी पहले 36 रुपये/kg मिलती थी, अब इसमें 37 रुपये मिल रहे हैं, इसमें 1 रुपये का इजाफा हुआ है। हालांकि चीनी अभी वैसी है, थोड़ा सा भाव खाकर दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए चीनी के बाद अगर अब मैं आपको बताती हूँ कि मसूर दाल में पहले ये 58 रुपये/kg मिलती थी, लेकिन अब ये 65 रुपये/kg मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि 7 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। और बात करते हैं हम मस्टर्ड ऑयल की, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है ये, तो इसमें 130 रुपये पहले मिलती थी, अब ये 150 रुपये/लीटर मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 20 रुपये का इजाफा हुआ है। जो कि तेल जो है हमारे जीवन के लिए कितना खास, जान रहे हैं, कुछ भी अगर चीज़ें बनाते हैं तो पहले तेल
तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ये देख सकते हैं कि तेल 130 रुपए के लीटर मिलती थी, अब ये 150 रुपए लीटर मिल रही है। अब फिर रिफाइंड ऑयल की मैं बात करूंगी, तो रिफाइंड ऑयल जो है वो पहले 115 रुपए लीटर मिलता था, लेकिन अब ये 140 रुपए मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है इसके दामों में। और ये है फॉर्चून का सोया हेल्थ, तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये फॉर्चून ऑयल हो गया। अब हम बात करते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ये अरहर दाल। अरहर दाल में 100 रुपये पहले मिलते थे, 100 रुपये किलो, लेकिन अब ये 108 रुपये किलो मिल रहे हैं, यानी कि 8 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी भी लगातार होती जा रही है। ऐसे में ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराश भरी हुई लोगों में देखी जा रही है। आम लोगों से हमने बात की, यहाँ के ऑनर से भी मैंने बात की, आपको इसमें वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। काफ़ी ज़्यादा बीजेपी सरकार से वो डिमांड कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को लेकर वो कुछ सोचे, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर बस बयानबाजी कर रही है, लेकिन वो अपना काम कुछ नहीं कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, ट्विटर को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।